नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। आज हम आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, उस घटना की बात को जानकर आपका दिल दहल सा जाएगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि आखिर एक दादी अपने पोते के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, और वो भी महज अपनी बहू से बदला लेने के लिए। किशनगंज से यह दिल दहलाने वाली वारदात सामने आ रही है। तारीख 6 सितंबर, समय 6:30, और अचानक से एक मासूम अपने घर से गायब हो जाता है। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। अक्सर देखा जाता है कि सास बहू की नोक झोंक सामने आती है और हम उसको इग्नोर भी करते हैं, लेकिन ऐसा मुकाम आ जाएगा कि अपनी बहू से बदला लेने के लिए अपने ही पोते की गला घोट जाएगी, यह दादी ऐसा सोचा नहीं था। दरअसल शाम 6:30 किशनगंज टाउन थाना क्षेत्र के खगड़ा हवाई अड्डा मोहल्ला से एक 3 वर्षीय बच्चा तंजिल अचानक से खेलते खेलते लापता हो जाता है। जब शाम को तंजिल घर नहीं लौटता तो परिजन और आसपास के लोग उसे ढूंढने लगते हैं, खोजबीन जारी करते हैं, लेकिन मासूम का कहीं भी पता नहीं चलता है। वही मंगलवार यानी कि 7 सितंबर की सुबह 3 वर्षीय मासूम तंजिल के शव उसी के घर के कुछ दूर सामने कृषि भवन के पास एक पोखर में पड़ा मिलता है। घटना के एक दिन पूर्व बच्चे के पिता ने किशनगंज टाउन थाने में उसके लापता की केस भी दर्ज कराई थी, शिकायत भी दर्ज कराई थी। खोजबीन के बाद बच्चे का शव संदिग्ध अवस्था में पोखर में तैरता मिलता है और उसके बाद शक की सुई घूमने लगती है। वही परिजन और स्थानीय लोगों ने मासूम बच्चे की हत्या होने की आशंका जताती है और फिर पुलिस कप्तान से वैज्ञानिक अनुसंधान करवाने की मांग करती है। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की अनुसंधान में जुट जाती है। घटना स्थल के निकट लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच को पुलिस अहम सुराग हाथ लगती है। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखता है कि तंजिल को उसकी दादी अफसाना खातून कहीं गोद में ले जा रही है और उसके बाद गिरफ्तारी के लिए दबिश देने लगती है। पुलिस ने दबाव के बाद हत्यारोपित दादी के टाउन थाना में आत्मसमर्पण भी कर दिया। अफसाना खातून किशनगंज टाउन थाना पहुंची और अपना जुर्म कबूल लिया, आत्मसमर्पण कर दिया। अफसाना का कहना था कि उनकी बहू ने जादू टोना कर कर उनके बेटे को वश में ले लिया था और हमसे दूर कर रही थी। बेटे को अपने से दूर ज्यादा देख उसका बहू से अक्सर विवाद होने लगा। आखिरकार उसने अपनी बहू से बदला लेने के लिए उसकी नीयत ऐसी फिसली कि उसके अपने पोते को उसने मार डाला। जिस दादी को कभी अपने पोते को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, वही दादी बदला लेने की नीयत से पोते को मौत के घाट उतार देती है, खून का प्यासा बन जाती है और रिश्तों का कत्ल कर डालती है। और इसे आप दादी की पागलपन कहेंगे या फिर हैवानियत, अब देखने की बात होगी कि पुलिस इस महिला को कब तक सजा दिला पाती है। और पूरी रिपोर्ट हमने आपको बताई कि ये तमाम बाइट्स हैं जो परिजनों के हैं, उनके दादा की हैं, आप सुनिए। फिर बहुत खोजे, सुबह 6 बजे मिला, सब मिला तालाब में। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या आशंका है? ये डूब के नहीं मरा है, इसमें ऊपर मार के फेंका। किसी से दुश्मनी कुछ नहीं? कोई दुश्मनी नहीं हमको, हमारा तो कोई दुश्मनी नहीं। जो भी इसका हत्यारा है बच्चे के, इस मासूम तो सजा का, पुलिस से क्या मांग करेंगे? सजा होना है, मिलना चाहिए सजा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद कलाम हुआ। एक बच्चा जो है कलाम साहब का पोता जो है 6:30 बजे खेलते खेलते बच्चा लापता हो गया। पूरा समाज, उसके घर वाले लोगों ने बहुत खोजबीन किया, प्रशासन के भी लोगों ने सारा रात मेहनत किया, कहीं बच्चा का आता पता नहीं चला। सुबह में बच्चा जो है, यही वो उनका घर है सामने, वहाँ से बच्चा को ला करके किसी ने पानी में लाकर फेंक दिया। और फिर यहाँ से सूचना मिला उनके घर वालों को, हम लोग भी आए। आने के बाद में बच्चा ये मर्डर की आशंका जताई जा रही है। क्या लगता है कि बच्चे, छोटा बच्चा है, इस बच्चे को किसी ने आशंका जताई जा रही है, अब सच्चाई क्या हो? तो सीसीटीवी में क्या नजर आया आप लोग, क्या देखा सीसीटीवी? सीसीटीवी कैमरा को मैं अभी नहीं देखा हूँ, मैं सुन रहा हूँ
कि उसमें एक लेडीज़ जो है वो बच्चे का एक गंजी का कॉलर नज़र आ रहा है, उसके गोदी में है, वो इस ओर आती हुई दिख रही है। खगड़ा में पिछले 3 दिन पहले एक बच्चे के गायब होने की सूचना आई थी। उसके बाद फिर उसकी छानबीन हुई तो जो बच्चा था वो अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर मृत पाया गया, जिसके बाद शिनाख्त की गई है और उसमें घर वालों ने बच्चे की दादी पर ही शक जताया है। और जो CCTV फुटेज और वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया उसके आधार पर उसकी दादी की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे इसमें हम लोग छानबीन कर। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ये एक ऐसी खबर थी जो हमें कहीं ना कहीं फील कराती है कि हमारे अपने भी कभी भी हो सकता है कि वो अपने ना रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम और भी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।